हरे एक स्टा वेलकम बैक टू आयर चैलेंज आ आना तो आज अब करने तो हम करने वाले हैं विले लेस फॉर जूनियर क्लास फिफ्थ के चैप्टर फोटीन तो इसमें हमने लास्ट जो इसका पार्ट वन था उसमें हमने पढ़ा था थोड़ा सा हमने मशीन के बारे में पढ़ा था कि मशीन्स से पहले ह्यूमन की लाइफ कैसी थी अर्ली ह्यूमन की और उसके बाद कैसे टाइम चेंज हुआ तो लोगों ने अपने काम को ईजी करने के लिए मशीन्स का मशीन्स बनाई और भी कैसे खोज हुई ठीक है आज हम वही पढ़ेंगे इस इस वाले पार्ट में तो देखो एक एग्ज़ाम्पल वो पार्ट पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अगर आप दे आपने देखा होगा कोई कार है जैसे कोई मैकेनिक है ठीक है जब वो कार का टायर को रिप्लेस करता है तो वो उससे जब वो रिप्लेस करता है तो ऐसे तो निकाल के रख नहीं सकता क्योंकि कार बहुत भारी होती है तो कार को वो उठाता है पहले एक टूल को यूज़ करके एक मशीन को यूज़ करके उसको कहते हैं जैक तो वो जैक को यूज़ करके पहले उसको थोड़ा सा ऊपर करता है और उसके बाद उसमें से वो टायर निकालता है तो यहाँ से क्या होता है कि मशीन का यूज़ करता है मैकेनिक और वो एक हैवी कार को एफर्टलेसली उठा देता है और उसमें से वो अपना टायर निकाल लेता है ठीक है और फिर रिप्लेस कर देता है तो मशीज जो है वो हमारी लाइफ को सिम्प्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा और अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी मशीज के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि लीवर व्हील पुली और इनकलाइड पेन स्क्रू तो ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहला आता है लीवर तो देखो ये जो होता है लीवर ये सबसे सिंपलेस्ट मशीन होती है पर हैव जो अब तक देखी गई है और ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी तो मे बी बस हम गैस कर सकते हैं मे बी क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसने करी और ना ही तब कोई रिकॉर्ड्स थे तो हम यहाँ पे बस मे बी यूज़ कर रहे हैं तो बेबी क्या हुआ होगा कि कोई एक इंसान होगा जो एक बड़े पत्थर को उठाना चाह रहा होगा एक एग्जाम्पल भी है कि एक इंसान था वो बड़े पत्थर को हटाना चाह रहा होगा जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो तो वो उसको वहाँ से हटाना चाह रहा था पर अपने हैंड से नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वो बड़ा पत्थर था और वो भारी था तो उसने क्या करा उसके साइड में एक स्मॉल रॉक लगा दिया जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद वो एक स्टिक लेता है और उसको यहाँ पे एज अ सपोर्ट स्मॉल वाला जो स्टोन है और जो बड़ा स्टोन है इन दोनों के बीच में लगाता है और फिर उसे मूव करता है ठीक है तो उसको प्रेस डाउन नीचे की साइड पे प्रेस करके मूव करता है तो अब आप क्या सोचते हो कि आगे क्या हुआ होगा तो हाँ आप एकदम सही सोच रहे हो कि जो स्टोर है वो वहाँ से हट जाता है और ईजिली मूव हो जाता है विथ लेस एफर्ट तो यहाँ पर जो वुडन स्टिक है ये कौन सी मशीन का, का काम कर रहा है तो ये जो वुडन स्टिक है यहाँ ये यह लीवर का ही काम कर रहा है आगे देखते हैं कि देखो जो लीवर है वो सिंपल टूल है एक बहुत सी सिंपल टूल है जो बेसिकली uh, सबसे ईजिली बनता है और उसका उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं पर यहाँ पे पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया सीजर हो गया ठीक है सीसा हो गया बोटल ओपनर हो गया और नट क्रैकर हो गया तो ये सब कैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो कहीं पे डंडी लग ही नहीं रही है तो वो हम आगे पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे तो देखो पहले तो आपको लीवर के पार्ट्स देखने पड़ेंगे लीवर के तीन पार्ट्स होते हैं सबसे पहले होता है एफ़र्ट फिर लोड फिर फर, फिर कम फर कम ठीक है तो जो ये होता है एफ़र्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो ये ये जो एफ़र्ट होता है ये पार्ट होता है जहाँ से आप फोर्स अप्लाई करते हो ठीक है जिससे वर्क हो तो यहाँ पे एफर्ट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ लिवर इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वर्क यहाँ पे जैसे आप एक फ़ोटो यहाँ पे जो बनी हुई है पिक्चर उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा आ, लोड रखा हुआ है ठीक है इधर से हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं जिससे ये लोड को हम मूव कर सकें यहाँ से अब नेक्स्ट यहाँ पे लोड के बारे में पढ़ते हैं तो ये वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स अप्लाई करा जाएगा और जिसे यहाँ से हटाना है ठीक है बेसिकली जिसके ज, 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 जिसके लिए हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं वो हमारा लोड हो गया उसके बाद पढ़ेंगे आप फ्यूरकम के बारे में तो ये जो फ्यूरकम होता है ये बेसिकली फिक्स पॉइंट होता है लीवर के लीवर में फिक्स पॉइंट होता है जिससे जो ऑब्जेक्ट है जो लोड है मतलब इसको हम फिक्स पॉइंट है बेसिकली ये ठीक है जिससे हम ग्रेट डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं बस एफर्ट अप्लाई करके फरकम वो होता है अब पढ़ते हैं उसके बारे में और डिटेल में तो अगर आप देखो एक यहाँ पे हमें पिक्चर दे रखी है ठीक है जिसमें हमें बोला गया है कि सीसो जो है वो एक लीवर का एग्जाम्पल है ठीक है दो किड़ होते हैं और वो बैठे होते हैं सीसो पे यहाँ पे बीच में फर्क कम है ठीक है पर ये यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सीसो ही पर हमने तो ऊपर देखा कि सीजर भी है ठीक है और बॉटल ओपनर भी है बट इधर का तो फर्कम ये है बॉटल ओपनर का और सीसो के में तो बीच में था तो यहाँ पे अब हम, हम पढ़ेंगे कि आगे कि इसमें लीवर के भी टाइप्स होते हैं तो अब देखेंगे कुछ ऐसे इसके एग्जांपल्स जो अपने स्टार्टिंग में देखे थे तो, तो आप सोच रहे थे कि ये कैसे लीवर के हो गए इसमें तो कोई पत्थर उठा के फेंक ही नहीं रहे हम तो अब ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पहला एग्जांपल जो है लीवर के फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्लास लीवर का जो एग्ज़ैम्पल है वो एक पहला है सीजर देखो सीजन में बीच में यहाँ पे आपको फिरकब मिल जाएगा और इधर लोड इधर जो भी चीज़ को काटना है वो रहता है ठीक है लोड मतलब जिसके ऊपर मशीन काम कर रही है वो इधर होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे एफर्ट आप इधर से अप्लाई करते हो ठीक है तो आपका जो काम है वो इधर है लास्ट में और देखो या आपका काम और जिस भी चीज़ पे काम हो रहा है वो वो दोनों साइड साइड भी होते हैं और बीच पे फिरकब होता है ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ये एग्जाम्पल दे रखा है कि आप इस आपसे बॉक्स नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो एक ऑब्जेक्ट को या एक लीवर को ठीक है यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो इधर लोड हो रहा है इधर ये डब्बा खोल रहा था तो इधर डब्बा खुल रहा है और इधर फेरकब है ठीक है तो बेसिकली यह फेरकब लोड से थोड़ा पहले है तो इतना पता नहीं चल रहा है बाकी यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास लोड लग रहा है सो फर्स्ट क्लास लेवर लग रहा है नेक्स्ट चीज़ देखते हैं सेकंड क्लास में तो देखो इन सेकंड क्लास लेवर लोड इज लोकेटेड इन बिटवीन यहाँ पे लोड जो है वो बीच में आ गया है सेकंड क्लास में ठीक है इस पर यह डिफरेंस है कि फेरकब और एफर्ट जो है इस बार वो साइड में है फेरकब और एफर्ट्स साइड में है और लोड जो है वो बीच में आ गया तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी इसके एग्जाम्पल्स है बॉटल ओपनर ये देखो मैंने बोला था ना तो ये बॉटल ओपनर आ गया नेट क्रैकर आ गया नेक्स्ट डेल क्लिपर आ गया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें सेकेंड क्लास लीवर का फेर कब में तो नेट uh, क्रैकर में देखे अगर हम तो अभी देखने को लेगा, फेर कब जो है आगे है ठीक है बीच में यहाँ पे आपका लोड आ गया और एफर्ट यहाँ सबसे एंड में आप अप्लाई कर रहे हो ठीक है लोड यहाँ पे जिस नट को क्रैक करना है वो डट आ गया और फेरकअप यहाँ पे लास्ट में आ गया ओके डेक्स यहाँ पे देखते हैं एक ऊपर एक एग्जाम्पल रह गया एक्चुअली रुको तो ऊपर एक एग्जाम्पल एक्चुअली रह गया तो वो यहाँ पे दिया हुआ है एक व्हील बैरों का ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हील बैरों का तो देखो लोड इसे बीच में रख ले के लेके जाओगे ठीक है इधर से एफर्ट लगाओगे और इधर फेर कम होगा डेक्स देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्लास लिवर में तो इसमें यहाँ पे क्या होता है जो एफर्ट और जो लोड होते हैं ठीक है सॉरी जो एफर्ट होता है वो लोड वो लोड के और फिर कब के बीच में होता है अब यहाँ पे क्या हो गया एफर्ट जो है वो बीच में आ गया है और लोड जो है और फिर कब है वो साइड साइड पर हो गए एग्जाम्पल देखते हैं आपका टोंग्स यहाँ तो टोंगस वो होते हैं जो चिमटे होते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे टोंग्स जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो साइड में लोड हो गया जिस जैसे रोटी इधर आ गई ठीक है आपकी इधर एफर्ट आप लगा रहे हो इधर से पकड़ रहे हो रोटी को और यहाँ पे फिर कब है जहाँ पे जॉइंट है जहाँ जो पार्ट इम, इन इन मूवेबल है ठीक है जो पार्ट मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे फिशिंग रॉड आ गई आपकी तो यहाँ पे लोड साइड में आ गया एफर्ट आपका बीच में आ गया और फिर कब आपका यहाँ पे हो गया ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंक्लाइड प्लेन तो तीन टाइप के हमने लीवर पढ़ लिए ली अब हम बढ़ते हैं सेकेंड मशीन जो है इनक्लाइंड प्लेन है देखो इनक्लाइड प्लेन वो होती है जो स्लाइडिंग प्लेन होती है ठीक है जो स्लाइड प्लेन है ये वाला आ, मैं थोड़ा उसका कलर चेंज कर देती हूँ तो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ये जो पर्पल वाला प्लेन है ये इनक्लाइड प्लेन हो गया इनकलाइंड प्लेन ये स्लोप वाला पार्ट होता है सरफेस पे ठीक है ये जो स्लोपी सरफेस सरफेस है वो हो गया आपका इंक्लाइन प्लेट या जिसको आप रैंप भी बोल सकते हो ये इजी होता है किसी भी चीज़ को रोल करने में या पुश करने में किसी ऑब्जेक्ट को ठीक है अब आप खुद सोचो आप यहाँ पे कोई सामान रख रहे हो इधर से उठा के लेके रखोगे तो ज़्यादा आपको तब लगेगा पूरा उठा के लेके चल पड़ेगा इधर देखो बच्चा भी खेलते खेलते रख रहा है है ना लुढ़का कर रोल करा कर यहाँ पर इंकलाइटमेंट का रैप का यूज़ करके यहाँ पे रख दिया अब कोई सवार जैसे घर की शिफ्टिंग होती है ठीक है या कोई सवार शॉप से उस शॉप में जा रहा होता है तो क्या करा जाता है कि यहाँ पे रैप का यूज़ किया जाता है और रैप से ही वो पुल करके वो सॉरी पुश करके रोल करके वो सवार को लेके चले जाते हैं ठीक है थीके? रख देते हैं ट्रक में अब देखते हैं नेक्स्ट आगे का कि वही वाला एग्जाम्पल आ गया अब देखो यहाँ पे स्लोप भी जो है मतलब जो रैंप भी है जो बेसिकली ये जो स्लोप है ये भी जो है ये तीन टाइप के आएंगे ठीक है पहला वाला है ग्रेजुअल स्लोप ग्रेजुअल स्लोप जो है ये यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पुश या फिर रोल करते हैं ऑब्जेक्ट को और इसमें बहुत रेस, रे, लेस एफर्ट लगता है ठीक है और ये ग्रेटर डिस्टेंस कवर करता है ये सबसे सिंपल वाला जो नॉर्मल स्लोप होता है वो है डेक्स यहाँ पे देखते हैं स्टीप स्लोप तो ये जो स्टीप स्लोप होता है इस पर भी हम पुश पुल पुल सॉरी पुश और रोल करते हैं यहाँ पे देखो क्या है कि ग्रेजुअल मेरा बड़ा वाला uh, रैप लगता है और स्टीप में छोटा वाला रैप लगता है ठीक है और छोटा रैप रहेगा बट यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगेगा और फोर्स भी ज़्यादा लगेगा आपका नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसमें सॉरी जो आपके आ, स्लोप थे इसके तीन नहीं दो ही आ, पार्ट थे दो ही टाइप थे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो थे ग्रेजुअल और स्टीप स्लोप नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आ गया है पुल तो ये जो पुली है इसमें व्हील होती है पुली का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है कि व्हील इधर हो गई ठीक है तो ये आपका पुली हो गया और आ, इसमें रोप लगी होती है तो ये आपका पुली हो गया अब इसके भी दो पार्ट है दो एग्जाम्पल्स है एक है मूवेबल पुली और एक हो गया फिक्स्ड पुली अब देखते हैं जरा तो देखो जो यहाँ पे इनकी वो दे रखी है डेफिनेशन फिक्स पुली जो होता है वो एक व्हील होती है जो फिक्स्ड होती है बार में मतलब एक डड्डे में ठीक है या फिर हुक में रो और उस उसी के अंदर रोप भी होती है जो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये वाली जो है ये फिक्स पुली है ठीक है इधर ये व्हील मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे जो आपका लोड है या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होता है और इसमें रोप लगी है और ये एक बार पे फिक्स्ड है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो रोप है वो पुली के थ्रू पास करी जाती है और हम बकेट को ऊपर खींच लेते हैं ये वही चीज़ बताई गई है ठीक है डेक्स यहाँ पे देखते हैं हम कि ये तो फिक्स ये तो हो गया हमारा आ, ये हमारी फिक्स पुली हो गई जिसमें बार और जो व्हील है वो फिक्स रहते हैं ठीक है अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉरी ये तो बूवे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बूवेबल पुली तो इसमें क्या होता है कि जो आपका व्हील uh, वाला पार्ट है वो मूव करता है ठीक है इसकी मैं पिक्चर लगा दूँगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो व्हील वाला पार्ट होता है वो बेसिकली इस पर मूव करा जाता है व्हील वाला जो पार्ट है वो बीच में आता है नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ पे व्हील और एक्सेल व्हील 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 इतना बोल रहे हैं आप लोग अब हम व्हील के बारे में पढ़ते हैं तो देखो व्हील इज़ दी मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ आर ऑल टाइम ये तो हमें पता ही है क्योंकि आप हर चीज़ को देखो कोई भी मशीन देख लो ठीक है उस पर व्हील लगता है और ये हम श्योर तो नहीं है कि भाई किसने और कहाँ इन्वेंट किया पर हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी जो लाइफ है वो व्हील के बिना कितनी मतलब लाइक टफ़ हो जाएगी लाइक लिटरली बहुत टफ हो जाएगी क्योंकि हमारे पास कोई भी मशीनरी नहीं होगी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और भी बहुत चीज़ों का मतलब नहीं मिलेगी अभी बहुत सारी चीज़ें अब देखो जो व्हील होता है ना वो एक मशीन नहीं है ख़ुद में क्योंकि व्हील से क्या करोगे व्हील के आगे आप और भी चीज़ें लगाओगे जैसे कि जो एक रॉड हो गई ठीक है रॉड बोल लो या एक्सेल बोल लो तो ये दोनों चीज़ें जब अटैच करोगे व्हील के अंदर तब जाके इसको ढंग से अरेंज करोगे तो एक सिंपल मशीन बनती है तो व्हील कभी भी खुद में एक मशीन नहीं कहलाती ये मशीनों में लगती है और तब जाके एक मशीन uh, बनती है बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज मशीन इन इट् देखो एक सिंपल मशीन जो है वो इजी करती है चीज़ों को कैरी करने में यहाँ पे भी आप एक व्हील टाइप का इसे बांध सकते हो और यहाँ पे आपका एक्सल हो गया ठीक है और ये क्या चीज़ है ये स्क्रू ड्राइवर है इससे आप स्क्रू को सेट करते हो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि वी कैन अरेंज अब इस यहाँ पे हम व्हील का अरेंजमेंट करेंगे तो क्या बनेगा एक तो कार बनेगा बाइसिकल ठीक है क्लॉक तो ऐसी चीज़ें बनती है तो व्हील से तो व्हील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेक्स देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स थे कार वग़ैरह डेक्स यहाँ पे स्क्रू देखते हैं देखिए स्क्रू जो है ना ये एक इंक्लाइन प्लेट है ठीक है और कोलाइडेड और रैप मतलब कि बेसिकली जो स्क्रू स्क्रू होते हैं ये एक इंक्लाइन प्लेट है ठीक है उसके ऊपर ऐसे, ऐसे ऐसे बना होता है उसके ऊपर स्क्रू उसके ऊपर टाइप्स ऑफ कोलाइडेड चीज़ें ऐसे बनी होती है स्क्रू सी शेप बनी होती है मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये आपका एक इनक्लाइड प्लेट था ठीक है ये आपका इनक्लाइड प्लेट था अब हम इस पर ड्रा करके मैं आपको दिखाती हूँ तो ये जो चीज़ है ऐसे ऐसे अब ये स्क्रू हो ठीक है अब ये जो स्क्रू होती है ये बेसिकली क्या इससे क्या होता है कि देखो आप स्क्रू को पुल नहीं कर सकते ठीक है किसी भी वुड में से बट आप डेल को पुल कर सकते हो डेल और स्क्रू में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्क्रू भी पहले एक नॉर्मल सी डेल होती है बट उसके ऊपर फिर ये जो स्क्रू जो स्पाइरल सा शेप जो होता है ये जब उस पर आ जाता है तो फिर आ, वो स्क्रू बच जाती है ठीक है नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो स्क्रू जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे डेली यूज़ में यूज़ होता है ठीक है ये स्पॉट स्मॉल पार्ट्स में यूज़ होता है जैसे कि एकदम कॉम्प्लेक्स मशीन्स में चेयर्स में रिवॉल्विंग चेयर्स में फैट्स में जैक्स में ठीक है टायर्स में तो so, बहुत चीज़ों में ये जो है हमारी यूज़ होती है स्क्रू अब हम देखते हैं वेजेस ये सबसे ईजी चीज़ है वेजेस होती है ऐसी लाइक ट्राइंगर शेप होता है इनकलाइड प्लेट में ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी जो नाइफ है ठीक है रेजर रेजर ब्लेड जो है ठीक ब्लेड है ब्लेड्स है नाइफ है कटर्स है और तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वेजेस के अंदर आती है शार्प एजेस जिनके अंदर होती है शार्प चीज़ें जिन्हें जितनी चीज़ें हैं ना वो तो छूने सवरा करते हैं कि नहीं छूने चाहिए इससे कट लग जाएगा तो जिससे भी कट लग सकता है वो वेजेस है अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है अर्थ द अर्थ पुल्स एवरी थिंग टू वर्ड इट्सल्फ डैश फोर्स ड्यू टू डैश फोर्स तो इसका आंसर ग्रेविटेशन है ग्रेविटेशन की वजह से ही अर्थ जो है कोई भी चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डैश फोर्स हेल्प टू स्वे स्वेबर टू फ्लोट ऑन दी स्विमपुल तो देखो जब हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ जो है वो नीचे डूब जाएगी और उस पर एक टाइप का फोर्स लगता है जो उसे ऊपर भेजती है तो वो कौन सा फोर्स होता है वो बॉयड फोर्स होता है नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अर्ली मैन यूज़ टू डैश एनर्जी तो कौन सी एनर्जी अर्ली मैन यूज़ करते थे देखो यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि अर्ली मैन के टाइप पे भी तो विंड और वाटर होता था तो विंड और वाटर हो सकता है आंसर और फिर मस्कुलर भी यूज़ करते थे तो ऑल ऑफ दीज कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि विंड और वाटर का तो यूज़ अब कर रहे हैं ह्यूमन अर्ली ह्यूमन नहीं करते थे यूज अर्ली ह्यूमन मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते थे वो खुद से सामान को उठा के लेके जाते थे उनमें तब इतनी उन्होंने नहीं कर रखी थी इन्वेंशन कि वो वाटर और विंड एनर्जी का यूज़ करें तो इसका आंसर होगा मस्कुलर मस्कुलर एनर्जी ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि विच विच ऑफ़ दीज इज थर्ड क्लास लिवर ट्वीजर नट क्रैकर बॉटल ओपनर डॉल ऑफ दीज तो देखो अगर आप ऊपर देखोगे तो थर्ड क्लास लेवर में क्या होता है देखो फर्स्ट में तो यही होता है कि आपका जो कब होता है वो बीच में आता है और लोड और एफर्ट साइड में आते हैं बट थर्ड क्लास में क्या होगा कि एफर्ट जो होता है वो बीच में आता है और यहाँ पे चिमटा जो होता है आपका जो ट्विज़र है टोंग या ट्विज़र सेम चीज़ होती है ट्विज़र बस उससे छोटा साइज में होता है ठीक है तो इसका आंसर ट्विज़र होगा क्योंकि ट्विज़र में जो है आपका बीच में आ रहा है एफर्ट साइड में फर्क है और उस दूसरे साइड पे आपका लोड आ रहा है ठीक है तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसका आंसर होगा ट्विज़र नेक्स्ट ये बोल रहा है अ नेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ देखो बच्चे स्क्रू करके आ सकते हैं बट स्क्रू नहीं होगा जब तक डेल के अंदर आपका स्पैनल लाए तब तक वो स्क्री दही होगा तो इसका सही आंसर होगा वेज आगे करते हैं नेक्स्ट बोल रहा है फील इन ब्लैंक्स तो फोर्स डैश कैन थिक एट रेस्ट फोर्स कैन मूव थिंग्स विच आर एट रेस्ट तो यहाँ पे मूव आ जाएगा ओके okay. अब नेक्स्ट ये बोल रहा है डैश इज मल्टी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी टू अर्थ तो सन जो है वो अनलिमिटेड सोर्स है हमारी अर्थ के लिए नेक्स्ट ये बोल रहा है और फूड इज़ कुक्ड बाय हीट एनर्जी हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं अब गर्म हम हीट का यूज़ करके ही तो खाना बनाते हैं सब्जी रोटी ये सब हीट का यूज़ करके ही बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट ये बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन डैम्स तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम हाँ जिस इलेक्ट्रिसिटी हमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का नाम बताना है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो डैम्स में जनरेट करी जाती है नेक्स्ट ये तो इसका आंसर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है रन होती है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मोस्ट सिंपल मशीन मेक्स यूज़ ऑफ डैश फोर्स तो यहाँ पे वैसे तो फोर्स की बात कर रही है तो मस्कुलर फोर्स और सबसे सिंपल मशीन जो है वो होती है आपकी स्क्र... वो लीवर तो उसमें हमने देखा है कि मस्कुलर फोर्स यूज़ होता है तो यहाँ पे हमारा मस्कुलर फोर्स आ जाएगा आप लोगों को क्या लिखवाया अगर कोई आंसर चेंज होगा तो वो आप हमें बता रहा ठीक है कॉमेंट्स में नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच सिंपल मशीन वुड यू डू यू यूज इन दी फॉलोइंग टू कट अ वेजिटेबल ओबियसली नाइफ तो यहाँ पे यह सही लिखा है नेक्स्ट ये बोल रहा है कि टू मेक अ होल इन द वॉल तो मेरे हिसाब से वो स्क्रू भी हो सकता है या फिर डेल भी हो सकता है बट यहाँ पे मशीन पूछा है तो नाइफ तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे वेज होना चाहिए ठीक है तो आप वेज लिखना ये गलत है एक्चुअली यह और यहाँ पे स्क्रू सही है नेक्स्ट ये बोल रहा है कि टू तो लिफ्ट अ कार टू चेंज हिज टाइप्स ऑफ तो कोई भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हम लीवर को यूज़ करते हैं तो ये सही है नेक्स्ट ये बोल रहा है टू ओपन अ कैप ऑफ अ बॉटल तो इधर भी हम हाँ वैसे तो लीवर ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे बॉटल ओपनर भी लिख सकते हो बट लीवर लिखता ठीक है नेक्स्ट ये बोल रहा है टू कैच अ फिश तो ऐसा सच बताया नहीं है तो यहाँ पे वैसे भी लिवर ही था अगर आपने एग्जाम्पल्स में देखा हो तो वो लिवर ही था थर्ड लिवर तो इधर लिवर लिख सकते हो और अगर सिर्फ सिंपल मशीज अगर ऐसे बोल रही है आपकी टीचर कि आपको टूल का नाम बताना है तो आप फिशिंग रॉड लिख सकते हैं ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग हरे कृष्णा चैप्टर जो खत्म हो चुका है मिलते हैं चैप्टर फिफ्टीन में थैंक्स फॉर वॉचिंग हरे कृष्णा